इसको तो बचपन से ऑटोमेन डिजीज था, आर्टिकेरिया जैसे हो जाता है, ऐसे पूरे शरीर में दाफड़ पड़ते थे। और भी क्या क्या अनुराधा ठीक किया? सर मुझे कोलाइटिस था, कोलाइटिस की वजह से किडनी डैमेज हुआ था, तो मैंने कोलाइटिस की मेडिसिन ली एलोपैथी 2.5 महीने। तो वो कोलाइटिस में क्या देते हैं? स्टीराइड देते हैं, उससे किडनी गड़बड़ हो गई। अब किडनी क्या हाल है? मेरा मैंने 6 महीने में सब ठीक कर लिया। मैंने कोलाइटिस हाँ यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे। और किडनी भी ठीक? हाँ। और वो दाफड़? वो मुझे पता ही नहीं चला, मैं देख रही हूँ कि मुझे तो 2 सालों से हुए ही नहीं। वो जो बचपन से हो रहा था वो दाफड़ भी बंद हो गए, आर्टिकेरिया, कोलाई, वो अपने आप ही हो गया। तो बोले ये तो हुआ ही नहीं, भूल गई हूँ बीमारी में तो। और किडनी भी ठीक कर ली, कोलाइटिस भी ठीक कर लिया। मैं आज 45 ईयर्स की हूँ, मुझे कोई बीपी शुगर थायराइड कुछ नहीं। बेटी भी तो इधर ही थी। हाँ। अभी अपनी बेटी को लेके आई इधर आ बाबू, थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी इसको भी अच्छा कर देंगे। अभी प्यारी सी बेटी है हमारी, अभी इसको भी लेके आई अम्मा कि तू भी चल बेटा, जब मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ तो तू भी ठीक रहेगी, जाओ बेटा खुश रहो। अब ये मैया, इसको देख के हमें बड़ा आनंद हुआ। हाँ, इसने हमसे आशीर्वाद लिया और हमने इनका आशीर्वाद लिया। महाराज जी 6 दिन में पूरा, दोनों 6 दिन के अंदर दोनों घुटना में जो दर्द था 1 साल से वो एकदम खत्म हो गया पूरा। दो अब और उम्र कितनी है? 86 साल। इसकी अम्मा है? हाँ, हमारी माता जी हैं। नाम बताओ ना। लालजी पांडे कलकत्ता से आए हैं। माता जी श्रीमती लल्लू देवी है? लल्लू देवी अमेठी से आई। लल्लू, लल्लू देवी। हाँ, नन्नू की लल्लू, लल्लू, लल्लू देवी। पहली बार नाम सुनो। छह दिन के अंदर दोनों घुटना और उसके बाद पूरा शरीर का दर्द और माथा चक्कर देता, सब खत्म है। आपका गोड़ और धया रहे होगा, सब एकदम पूरा खत्म हो गए। और तेरा क्या था? हमारा दोनों ये शोल्डर का दर्द था और दोनों घुटना का। इसको भी वात था? वात तो जेनेटिक है, तो ये सब करके एकदम पूरा खत्म। चलो मैया आप आशीर्वाद दे दे। हाँ, हमने तेरे को दे दिया, तू हमको दे दे। आशीर्वाद बच्चे का दे दिया। हाँ, इनको बच्चे को हमने दे दिया, लो। ठीक है, अब ये 86 साल की है। अभी इस उम्र में भी कल्पवास हर साल करती है। चलो मैया खुश रहो। ये भी तेरा बच्चा है? चलो इसको भी आशीर्वाद दिया। ये बहू है? सब पूरे कुंबे को दे के लेके जाएंगे। सब अच्छा है। चलो बहुत आशीर्वाद। अब देखो ये आप जाओ मैया, ये बच्चे ने तो कमाल कर दिया। कितना इंसुलिन था? इंसुलिन 250-300 रहता था और मेरे को लगभग 14 यूनिट ले रहा था मैं भी। 250-300 इंसुलिन के बाद था, अब 133-135 ऐसा आता। और इंसुलिन? इंसुलिन 0 है, पहले दिन से ट्रीटमेंट शुरू होते ही 0 हो गया था। पहले दिन से इंसुलिन बंद है। और कब से शुगर है? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल से इंसुलिन ले रहा था, टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। चलो क्या नाम बेटा? अशोक कुमार। कहाँ से आयो? श्री गंगानगर राजस्थान से। चलो भाई अशोक के लिए, अशोक का शोक दूर हो गया, अभी तो शोक कुमार था, अब अशोक कुमार हो गया। विगतः शोक यस्य स अशोक। चलो जाओ आनंद कर। अब बेटा भी खुश, बीवी भी खुश, और ये बिटिया तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। क्योंकि मेरे 5 साल से ये पूरे फेस पे पिंपल्स, एक्ने और बहुत सारा था, इधर आई 2 दिन में ही क्लियर। देखिए 2 दिवस में क्लियर थी गया। गुजराती छोकरी से बापना जोड़े अभी से। हाँ, अंकल जोड़े, इसका अंकल हमारा मेंबर है। बोल बच्चों को, बोले चलो सबको सबको पंचकर्म षटकर्मा करा के लाऊंगा। इधर आओ, ये सारा बताना पंचकर्म षटकर्म थी गया बता। दीकरा दीकरी हो खुश से, राजी रह जो। चलो बच्चे सब खुश हैं, शुरू में योग के मार्ग पर डाल दो, सब बच्चे राजी रहेंगे। जाओ खुश रहो। ऐसे बीमारियों से डरो मत, तुम बीमारियों पर विजय पाओगे, ये संकल्प रखो और जैसा बताता हूँ वैसे करो। आज हमारे साथ में 3 एलोपैथी के बड़े डॉक्टर हैं, नामी गिरामी अनुभवी। लोग कहते हैं एलोपैथी वाले विरोध करते, नहीं, जो सात्विक डॉक्टर है वो योग का विरोधी नहीं हो सकता। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और वेद आयुर्वेद तो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, उसका कोई विरोध कैसे कर सकता है। ये डॉक्टर जब मेरे पास पहली बार आए थे, व्हीलचेयर पर थे, बुरी हालत, वेट भी काफ़ी था। अभी वजन कितना कम हो गया रेजा साहब? 10 किलो। 10 किलो वेट कम हो गया, अब अपने पैरों पर चलते हैं, थोड़ा सा डंडा है ये भी छुड़वा देंगे। अपने अनुभव ये आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे बद्रीनारायण जी हैं, ये तो हमारे आर्य समाज के संघ के मतलब बड़े योद्धा हैं।
हम भी आर्य समाज और संघ की पूरी परंपरा को आत्मसात करके राष्ट्र की आराधना में लगे हुए हैं। द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित भी है, तो आप अपनी अपने अपनी बात करेंगे बद्री जी भी, और ये हमारे जेपी साहब मल्ल जी, तो मल्ल तो बोलते पहलवान को, मल्ल योद्धा, हाँ योद्धा को, तो ये हमारे योद्धा डॉक्टर हैं, तो अपने अपनी बातें तीनों ही कहेंगे, रहीजा से शुरुआत करते हैं जिससे कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और यहाँ कोई हम एलोपैथी के दुश्मन नहीं है और डॉक्टरों के तो दुश्मन कतई ही नहीं है, लेकिन गलत फहमियाँ बहुत हैं। डॉक्टर मेरे से कुछ जो थोड़े समझते नहीं ना, बड़ा संघर्ष चल रहा है, तो ज़रा इस संघर्ष को कम कीजिए आप। नहीं, मैं तो इस बिल्कुल नहीं एग्री करता, कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक के बारे में, योग के बारे में, नेचुरोपैथी में किसी ने आज तक कोई कंडेम नहीं किया। ठीक बात, इसमें तो इट्स नो डाउट अबाउट इट, ये हमारी सदियों पुरानी आ रही हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन की जा बातें हैं वो हमारे सारा लिटरेचर वगैरह जला दिया गया, मेडिसिन को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया हमारा सिस्टम, परंतु किसी वजह से योगा और ये नेचुरोपैथी हमारे ट्रेडिशनल चलते रहे। योगा का नाम ही रामदेव के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे रामदेव जी ने ही इनको इन्वेंट किया है। रामदेव जी ने तो पतंजलि को ला के उनको सबको डोर डोर स्टेप पे, हिंदुस्तान के डोर डोर स्टेप पे और विदेशों पे जाके मेडिकली आल्सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड। स्वामी जी कहते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर योगा के अगेंस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि योगा ऐसी योगा के अंदर कोई भी योगा के अंदर ऐसा कोई भी आसन हो कोई साइड इफेक्ट हो। हाँ ये बात है, किसी की क्षमता कुछ होती है, किसी की क्षमता नहीं होती, अपने क्षमता के अनुसार ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। प्राणायाम ले लो, आसन ले लो, बस मेडिकली वो हर सिस्टम को हमारे इफेक्टिव करते हैं। और आई फुल्ली डिवोटेड, मैं 1 जनवरी 2023 को बिस्तर से गिर गया और मैं चल नहीं पा रहा था। मैं PGI में एक महीना एडमिट रखा, उन्होंने न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन ने मेरे काफ़ी डिस्कस किया, यानी कि मुझे इग्नोर किया हो। उनके डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो चुकी है और एक C4-C5 पे नर्व कंप्रेस हो गई है। स्पाइनल कॉर्ड के चेंजेस कहते हैं इरिवर्सिबल हैं, अगर एक बार डैमेज हो सकते हैं वो तो आ नहीं सकते। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो थोड़े से आपके जो कंप्रेसिव सिस्टम है वो आ सकते हैं, परंतु रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें हो सकता है कि आपकी ऑपरेशन थिएटर में ही ऊपर पहुंच जाओ और पैरालिसिस हो जाए, कुछ हाथ पांव चले जाएं। तो मैंने उनको कहा यार मैं इस लाइफ से अच्छा तो मैं अंडरटेकिंग देता हूं आपको, आपके ऊपर कोई मेरे मैं और मेरे मेरी जनरेशन कोई भी लीगल एक्शन नहीं करते, काइंडली ऑपरेट, इससे अच्छा तो ऊपर जाना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने जितना जीना था जी लिया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, परंतु उन्होंने दे नेवर डेयर टू ऑपरेट मी। और उन्होंने कहा कि हम जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन देंगे हर महीने 3 महीने, आपकी किस्मत होगी तो आप ठीक हो जाओगे, हमें श्योर, वी कांट अश्योर यू। जब मेरे स्टीरॉयड के इंजेक्शन 10 दिन के लिए वो बुलाते थे हर महीने में, मैं 20 दिन इधर आता था, 10 दिन PGI में चलता रहा, और अब बाय दी गॉड ग्रेस आई एम 100% ओके। थोड़ा सा मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, और अदरवाइज तो मैंने पहले जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे कोई फेथ नहीं था आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, तो स्वामी जी और उनके स्नाग्दे से कहा भी आपके कोई रिस्क तो है नहीं, ये तो है नहीं आपके कोई ऐसी ब्लड प्रेशर या इमरजेंसी दवाइयाँ चल रही हैं, शुगर की मेडिसिन है, आप जैसे जैसा शुगर बढ़ जाएगा ना आप हफ्ता बंद करो इनको, हमारी मेडिसिन लो। तो मैंने सारी एलोपैथिक बंद करके आयुर्वेदिक की शुरू कर दी, मधुनाशनी मधुग्रिट मेडिसिन लेने लगी, और मेरी शुगर यहाँ तो वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं घर जाता हूँ तब मुझे मधुनाशनी मधुग्रिट लेना पड़ता है, अदरवाइज मेरी सारी एलोपैथिक मेडिसिन छूट गई है। मैं डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता बलिया से हूँ और पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर से रिटायर्ड हूँ, और बलिया आर समाज का मैं प्रधान भी हूँ, व्यापार मंडल का संरक्षक भी हूँ, और RSS का नगर संचालक भी रहा हूँ, और संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए सोच के आया कि इस समय बाबा रामदेव जी अच्छे और नेक काम करने के बावजूद भी कुछ लोगों के आँख की किरकिरी बने हुए हैं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 35-40-45 लाख की पॉपुलेशन एक ज़िला की होती है, बाबा के पहले 40-50 लोग भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में योग करने वाले, योग का जानने वाले नहीं थे, उन्होंने घर घर में योग पहुंचाया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनको भारत रत्न दिया जाए, हमारी संस्कृत और योग को इन्होंने घर घर पहुँचाया है,
इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और रही बात, मैं एलोपैथिक और डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी से। मैं जानता हूँ कि एलोपैथ कहीं से भी मिले, आकाश से मिले, पताल से मिले, यदि समुद्र के नीचे से मिल जाए तो औषधियाँ खोज लाती है एलोपैथ, लेकिन योग नहीं खोज पाई थी। योग हमारी वेदों से निकला हुआ है और योग का प्रचार प्रसार एकमात्र हमारे बाबा रामदेव जी किए हैं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर जेपी मल सीएमओ बादा रहने के बाद डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग नेशनल प्रोग्राम देखा, स्टेट नोडल अफसर NPPCD रहा और मैं बाबा के योग से बहुत प्रभावित हूँ। योग और व्यायाम ये मैं 2000 से इनके में आकर के करता चला आ रहा हूँ और मुझे पूर्ण लाभ मिला है। दाहिने पैर में हमारे जो है 0 पावर थे, एक्सरसाइज व्यायाम और योगा से मैंने इस बाबा से इम्प्रूव किया। बाबा जो है योगा और व्यायाम ये चीज़ें तो हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, लेकिन संसार में इसको एक सिस्टम के रूप में धारणा और बनाना, ये जो है बाबा रामदेव जी का जो है दिया हुआ कल्प है और यही संकल्प इनका इतना कामयाब हुआ कि ये विश्व में प्रसिद्ध हुए और विश्व में जो है योगा को लोग जानने लगे, विश्व योगा दिवस के रूप में जानने लगे। तो इस वजह से ये पतंजलि संस्थान हर तरह से जो है धन्यवाद का पात्र है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल केस है निधि का। जब पहले दिन इसको मैं देख रहा था तो माँ बाप दोनों की आंखों में आंसू थे इनके, आज तो इसकी माँ हंस रही है और उस दिन ये भाई भी इतना ठाड़ा होके, ये ठेठ हरियाणा जिसको कहते हैं ना रोहतक और जज्जर, रोहतक वाले रोहतक को रोहतक का है, मैंने बोली तबेरा पट जाएगी रोहतक के है। तो ये जब आए थे तो मैंने इस चीज़ को मैंने सोचा पहलवान है, रेसलिंग करती होगी और यूँ पड़ी भी और यूँ हाथ भी लावा है ना इसके कहीं भी, हरियाणा की भाषा में बोले तो कड़ा भी हाथ लावा उड़ाई दर्द हुआ है, जहाँ भी छुए क्या होता था, दर्द होता था, बहुत शार्प पेन होता था। और कब से चल रहा था? 9 महीने हो गए थे मेरे को और अभी तो मैं 2 महीने से स्ट्रेचर पे थी। डॉक्टरों ने बोल दिया सर्जरी, एम्बुलेंस में आए थे हम। अच्छा, एम्बुलेंस में आए थे? डॉक्टर ने बोला स्ट्रेचर हमारे पास तो है नहीं है, कहां था जुगाड़ करके। डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी और कुछ नहीं हो सकता। मैं बाथरूम से स्लिप हो गई थी। स्लिप हो गई थी और वो स्पाइन का एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया, मणकों का बैलेंस बिगड़ गया जिसको वाटर ब्रेथ कहते हैं, और फिर एक तरह से पैरालिसिस जैसी हालत हो गई थी जी। नर्व्स दब के पूरा लेफ्ट पैर है जो वो बिल्कुल चिटली उंगली तक उसमें बहुत ज्यादा पेन है। अब इलाज जो कपड़ा भी अगर लगता था अब तो मैं चल सकती हूँ, खड़ी हो। पहले स्ट्रेचर से व्हील चेयर पर अभी इसलिए रख रहे हैं, थोड़े माँ बाप भी डर रहे हैं कहीं छोरी गिर ना जाए। आ इधर उधर हटाओ इसको, अब तो बढ़िया चल रही है। अब इस बिटिया को देख करके हमको इतनी खुशी है, शायद इसके माँ बाप तो देखो उनके तो बेटी है, तो हमारी भी बेटी है। तो जैसे इसके माँ बाप को खुशी हो रही है ना, ऐसे हमको भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे इसको हमने जैसे बताया ऐसे किया। इसने मैंने इसको एक ही बात कही थी, बेटा देख जुबान पे ताड़ा, जो बताएं वही खाना पीना और फिर सारी थेरेपी, 5 तरह की थेरेपी कराते, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, फिर फिजियोथेरेपी, फिर श्रृंगी, अभी हुई कि नहीं हुई श्रृंगी, फिर पंचकर्मा सारा का सारा बस्ती, और एनिमा भी, एनिमा नहीं IRR हुई है, स्टीम हुई है, ओजोन हुई है। अब एनिमा भी ले लेना, उस समय तो इसलिए नहीं दिया था ना स्ट्रेचर पर कैसे कैसे करें, अब वो भी ले लेना। और इसने अभी लेके मत जाइयो बाबा, नहीं मैंने बोला था 10 से 15 दिन यहाँ छोरे ना दौड़ा के भी नहीं, बिल्कुल जी। जब आप कह देंगे आपसे मिलवा, अब तो ले जाओ, मतलब अब ये एकदम पहलवान पर किला गया। और उस दिन तो बस मतलब यो हालात है, इसको छुआ मैंने भी नहीं छुआ उस दिन इसको, बिल्कुल बोलो बाबा जी छूते ही ऐसे पेन होता है जैसे कांटे चुभ रहे हो, करंट सा। हाँ, बहुत शार्प पेन था पूरे लेफ्ट पैर में बहुत ज्यादा।
बाथरूम भी रो रो के जाती थी मैं। दोनों बंदे ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे। लेकिन इसको मैंने अब ये जब फोटो दिखाए मेरे को, बाबा जी ये वो स्ट्रेचर वाली बेटी है, मैंने पहचान तो मन ली थी, मैंने कहा ये वो छोरी है, अब ठीक हो गया। तो बाबा जी सिर्फ ये हम शुक्रवार को आए हैं आपकी शरण में, शुक्रवार को समझो 10-11 बजे हम आए, और मंगलवार को ये 4:30 बजे के बाद बिल्कुल फिट एंड पोजीशन जिसमें आप खड़ी है ऐसी हो गई। तो मैं तो ये कहता हूँ, कभी मैंने पढ़ा जब मैं छोटा था तब हम याद करते थे कि गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में ये तीन नदी, तो कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो तीनों जहाँ इकट्ठी होती हैं उसको संगम कहते हैं। तो बाबा मैं तो आपको अगर धन्यवाद कहूँ तो ये बहुत ही छोटा शब्द होगा, मैं कह नहीं सकता आपको, पर ये जरूर कहता हूँ कि जिस तरह से वो संगम है उसी तरह आपने योगा प्लस आयुर्वेदा प्लस नेचुरोपैथी को जो तीनों को कंसोलिडेट करके और हमारे को ये पतंजलि वेलनेस दिया है, इसके लिए पूरा भारतवर्ष हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मैं हमेशा हमेशा अपने जीवन में अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं इतना परेशान था बाबा, मैं इस बच्ची के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, मतलब इसका दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा था, बर्दाश्त ही नहीं था। बिल्कुल बाबा जी, और मतलब मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब ने ये कहा भाई बस अब अपना ऑपरेशन करा लो। हमने एम्स में न्यूरो सर्जन हेड हैं जो डॉक्टर राजीव शर्मा, उनको दिखाया, हमारे नॉन भी हैं वो, उन्होंने ये कह दिया कोई इलाज ही नहीं है इसका, इसका ऑपरेशन कराओ अदरवाइज ये पैरालाइज हो जाएगी, पूरी लाइफ के लिए ये वो हो जाएगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हम बस आयुर्वेद की जहाँ सुनते थे करके फिर आप आपके यहाँ आए। सुखवीर सिंह सुदेश थे, खुशी के आंसू में बाबा, उस दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, बेटी तो दुखी थी पर बहुत दुखी थे हम, मतलब इनके तो आंखों में आंसू हो गए। मैं जब इस छोरी को पहली बार देखा ना तो मेरे भी मतलब कि भाई इस बेटी को तो आशीर्वाद भी देना है और इसको ठीक करना है, मतलब इसको देख करके ही मेरे को दर्द हो रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी है। आपकी दया तो है जी, हो ना हमारे बस की नहीं था। तो बेटी भी हमारी बहुत खुश है और अब तेरे को पूरी मेहनत करनी है बेटा। हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ मेहनत करवाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। खाली दवाई तो नहीं ठीक होता बेटा, सुबह से शाम तक जैसे बताते हैं से करना मेरे बाबू। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो मिनी दी बहुत हिम्मत वाली बेटी है, ऐसे बहुत लोग स्ट्रेचर पर हैं, पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लोग गलत गलत बातें बोलते रहते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ कटवा लो ऑपरेशन करवा लो। अकॉर्ड हॉस्पिटल में दिखाया हमने, फरीदाबाद SSB हॉस्पिटल में दिखाया हमने, सब सही जगह, न्यूरो सर्जन और खूब जी। उसके बाद भटिंडा किसी ने बताया, कहीं गुना गांव था एक भटिंडा के पास, वहाँ गए जी, कोर्ट का पूरा गए, बहुत तरह से धक्के खाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो जो ऐसे रोगी होते हैं ना, खैर ये तो बेटी है इसलिए इनको तो कितने बच्चों को तो कितनी बीमारी हो जाए उनको बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ना लोग छोटी छोटी बीमारियों को खूब बढ़ा के आते हैं। अभी मैं मिल के आया हूँ रोगियों से, 18-18, 20-20 क्रिएटिनिन, अरे भाई पहले क्यों नहीं आ गए, 5-5, 10-10 साल के Type 1 diabetes, सारा शरीर बेकार कर लेते हैं, किडनी बेकार कर लेते हैं, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, फिर आएंगे 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए पार्किंसन, पहले नहीं आते, लोग बहका के रखते हैं और बाबा के पास मत जाना। चलो एक तो ये पता नहीं कैसे लोगों ने, हम दुनिया का भला करने में लगे हुए हैं और लोग हमें गाड़ देने में लगे रहते हैं, लगे रहो भाई। लेकिन देखो मैं सबसे कहूँगा भाई, सिर के ऊपर पानी उतरने तक पहले आ जाओ। लेकिन लोग योगा की सुनते सुनते तो हमने 9 महीने हो लिए थे, ये भी ना मैंने धक्के खा के आए। अभी भी लोगों ने ये कहा नहीं बाबा के पास कुछ इसका इलाज नहीं है, चक्कर में मत पड़ो, आप वहाँ जाओ। पर आपके यहाँ हेल्प डेस्क पे प्रवीण आर्य जी हैं, जज्जर से ही हमारे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर कहा, बोला जी उन्होंने कहा फिर भाई ठीक है तुम सर्जरी कराना चाहते हो, एक बार मेरे कहने से एक बार 7 दिन का यहाँ ले आओ, फिर अगर आपको नई रिलीफ मिले तो करा लेना। पर 7 दिन तो हुए गा बाबा के पास आते, तो 5 दिन में चलने लग गई जी। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई लोगों के मन में जो ये भय बना हुआ है कि बाबा जी के पास जाएंगे लूटने की दुकान है पता नहीं क्या करते हैं वहाँ, तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल मिथ्या है, वो भय बना रखा है। मैं यहाँ आया हूँ, एक आम आदमी आकर यहाँ बिल्कुल आराम से अपना इलाज, इतना अच्छा खाना मिलता है, बहनें जो हैं वो इतनी केयरिंग पर्सन है,
पूरा स्टाफ, चाहे उसमें एक्यूपंचर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे मतलब जो डॉक्टर हैं, सभी इतने अनुभवी और इतने अच्छे, श्रृंगी वाले सुनीता बहन जी है, उनको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से भाई। जो उनके आते ही एक बाबूजी उनके साथ आए थे, मतलब मैं ये कहूँगा जस्ट 5 to 10 minutes, इतने में तो मेरी बेटी ने मुझे ये कह दिया पापा मेरे तो पैर में 50% से ज़्यादा आराम है। आधे घंटे बाद तो मुझे ये कह दिया पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पैर का दर्द गायब है, थोड़ा सा कमर में पेन है, उठ के अपने आप बाथरूम में चली गई, मतलब सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। तो मतलब मैं पूरी टीम को ये कहना चाहूँगा भाई मेरी जो हालत थी मैं बता नहीं सकता अब आपको, वो उसी टाइम देखी जा सकती थी, आज मैं जितना खुश हूँ वो भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरी खुशी इतनी है। इसको खैर वो मेरे को भी याद है, लास्ट सबसे लास्ट लाइन में खड़े लेटे हुए थे, हम सीधे आए थे बस यूं हाँ, से मिलने के। तो और हम इसमें ऐसा नहीं कि मैं तो इससे अभी 7वें दिन दोबारा मिला हूँ, सबका एक जैसा ट्रीटमेंट है, कोई गरीब का, अमीर का, जाति का, प्रांत का, भाषा का, कोई हम भेदभाव नहीं करते। बल्कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लाखों रुपए, मतलब आप ये मानो पहले जमा कराएंगे सर्जरी के लिए, हमारे को 3.5 से 4 लाख रुपए बताए थे आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, आग भाई वहाँ आप सर्जरी को कराओ, और हम बिल्कुल रेडी थे सर्जरी के लिए, सिर्फ ये चूज करना था कि मैदानता में कराएं या इंडियन स्पाइनल इंजरी के नाम से है दिल्ली में उसमें कराएं या आर्टेमिस में, इन तीनों के जब उसमें लगे हुए थे ना, तो बीच में कहीं से दिमाग में परमात्मा ने डाला भाई बाबा के पास, तो हम यहाँ आ गए और अब हमारे को बाबा की कृपा से 100 साल तक भी कुछ नहीं जरूरत, कुछ नहीं हो गया, तो बैठी ऐसी पहलवान छोरी है, यहाँ के बारे में पता ही नहीं था, ये मानो बिल्कुल। तो ये ऐसे मतलब मैं 35 साल से देश की सेवा में लगा हूँ, तो कितनी मेरी परीक्षा लोगे, अब भी विश्वास ना हो रहा, मैं तो मैं कई बार कहूँ भाई कौन जान लोगे मेरी, और मैं मर जाऊंगा तब विश्वास करोगे मेरे ऊपर, मैं थारे भले में लगे हैं। मैं ये कह रहा हूँ देश नहीं विदेश भी ऋणी हैं आपके, आपने योग के जनक हैं आप, एलोपैथी को छोड़कर जो आयुर्वेदा पर नेचुरोपैथी पर आपने ला करके और जो ट्रीटमेंट दिया है बिना चीर फाड़ के जो आप ठीक कर रहे हो, नाइस, मैं कह रहा हूं बहुत आशीर्वाद भाई। अभी ये तो बोलने अभी इनकी मतलब अब तो भाव इनके ऐसे उमड़ते जा रहे हैं कि और पता नहीं क्या कह दें, तो खैर बात तो ये है, नहीं है मेरे पास जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। क्या करते क्या हो तुम? मैं एक कोर्ट कर्मचारी हूँ, रीडर के पद पे कार्यरत हूँ। तो ये तो पूरी वकालत कर लेगा। खैर तो बात ही है भाई, देखो दुख कितना ही बड़ा हो, मैं और वैसे मैं तो कहना चाहता हूँ 3 बातें और। अभी आज मेरे से 3-4 बच्चे मिले जो बोले जी इश बस अब बच्चे करने थे, तो सोचा एक बार पहले यहाँ शुद्धिकरण के लिए आ जाते, दूसरे रिटायर आदमी थे और उसमें भी 3 तो डॉक्टर थे यहाँ बिल्कुल लास्ट में बैठे थे, बोले जी हम तो डॉक्टर हैं, हमने सोचा रिटायरमेंट के बाद जिंदगी अच्छे से जीना है, तो बाबा की सेवा कोई दे नहीं सकता ही जिंदगी, तो तीनों MBBS MD डॉक्टर थे, तीनों आए, रिटायरमेंट के बाद आ जाओ, बच्चे करने से पहले आ जाओ, अच्छे बालक पैदा होंगे। और ये जो कोरोना के समय जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड की ओवरडोज, फिर वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज, बहुत तरह की आपके जिंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती भाई। और बुढ़ापे में 86 साल की माँ आई थी, तुम तो देर में आए थे, देखी थी, अच्छा तुम यहीं थे बैठे देख रहे थे, 86 साल की माँ बोले पापा जी मैं तो ठीक होगी, 86 साल की उम्र में गोड्डे ठीक, कमर, हाँ, और आशीर्वाद दे रही, बुढ़ापा ठीक करना है, रिटायरमेंट के लाभ बाद की लाइफ ठीक जीनी है, और खास करके ये जो तमाम तरह के आपने अपने शरीर पर अत्याचार किए हैं, अपने आप को ठीक रखना है, आ जाओ, और बच्चे अच्छे पैदा करने हैं तो आ जाओ, और सिर के पानी, सिर के ऊपर तक पानी उतरने तक पहले आ जाओ। खैर अब निधि को मेरा बहुत आशीर्वाद, इनके पिता को भी और इनकी माँ को भी, पूरे कुणबे ने खूब खूब आशीर्वाद, और जी जिन्हें संभाल के रखियो, बढ़िया बेटी है, दिमाग भी बढ़िया है, कुछ नहीं सारा चीज़ अच्छी होंगी। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, एक ज्वाइंट फैमिली है, उसका भी बड़ा अहम रोल रहता है, जिस चीज़ का मुझे पता लगा है, जैसे ये बेटी थी तो हम तो तीनों रियल ब्रदर हैं, तीनों ज्वाइंट फैमिली है, अभी तक मैं सबसे छोटा हूँ, पर जैसे मेरे चाचा के लड़के हैं, भाई के चाचू हैं जो, उन्होंने भी इसकी इतनी वो की है, कभी कहीं लेके जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, किसी ने ये कह दिया रात को वहाँ जाओ, पूरे परिवार ने मिल करके हर संभव कोशिश की है कि ये ठीक हो जाए, परंतु कहीं मिलजुल के रहो,
मैं इतना बड़ा परिवार चला रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं मेरे पास जी, है? और उन सबको प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कितने सारे देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं, तो मिलजुल के रहो। खैर, ये इस बच्चे को देख करके मुझे बहुत प्रेम आ रहा था और एक प्रेरणा भी है सबके लिए निधि। तो अब हर साल छुट्टियों में यही आना है बेटा, ये आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट है इसके पास। क्या बात, तो ये बहुत क्रिएटिव है बेटे। क्या मैं बाबा जी की है ना तस्वीर बना के लाऊंगी नेक्स्ट अगली बार। चलो बेटा, खुश रहो, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।